मुझे खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है, मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे कि जहाँ पर एक जगह उद्योग का काम शुरू हो, वेस्टर्न यूपी के लोगों को लाभ मिले, वहीं आगरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय शहर, उसको एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। जिस जगह चिन्हित किया गया था समाजवादी सरकार में, वो जगह जरूर फिरोजाबाद में थी। वो एक गांव हिरन गांव था, जिस गांव के आसपास ज़मीन चिन्हित कर ली थी और वो आगरा के बिल्कुल यमुना के किनारे था। तो अगर एयरपोर्ट बनना था, उस समय अगर अनुमति मिल गई होती तो लखनऊ के साथ साथ आपको फिरोजाबाद में भी एयरपोर्ट मिल जाता, जेवर में और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलता, तो एयरपोर्ट मिल जाता। और आप आजमगढ़ के लोगों, आपको तो पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, ये हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, इस हवाई पट्टी को बड़ा कर दिया समाजवादियों ने और आज तक चालू नहीं किया, और चालू इसलिए नहीं किया कहीं समाजवादी लोग हवाई जहाज लाके उतार ना दे इस पर। आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, समाजवादी पिछली सरकार में इसको बड़ा और चौड़ा किया गया जिससे कि बड़े हवाई जहाज उतर सकें, क्यों नहीं सरकार ने बनने दिया और अनुमति नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है, सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। महंगाई कैसे कम हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें कैसे कम हो, और हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि महंगाई कम करें, नौकरी रोजगार का इंतजाम करें, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी मिलें। और जहां महंगी बिजली हो गई, सोचिए आप जिस समय बिजली का बिल आता होगा, आम जनता को करंट लग जाता है, क्या बिल से करंट नहीं लग रहा? और फिर इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया, कारखाने का नाम भी नहीं बोलते हैं, और वो बात मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ, जिस कारखाने को लग करके बिजली और उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती, उसका नाम तो मुख्यमंत्री जी ने आज तक नहीं लिया। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जिंदाबादियों ने सिर्फ दंगा फैलाया प्रदेश में, हमने क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं बोल सकते इसलिए बिजली की बात नहीं करते, लैपटॉप चला नहीं सकते इसलिए लैपटॉप देना नहीं चाहते, 4.5 साल टैबलेट देते रहे, अभी भी टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट असली नहीं मिली अभी तक। गठबंधन की क्या स्थिति? गठबंधन लगातार हो रहा है और सब रंगों को साथ ले लिया है, एक अच्छा गुलदस्ता बन गया है। यही हमारे देश और समाज की पहचान है, जहां सब जाति धर्म के एक साथ लोग हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आरएलडी को साथ लिया है, हमारे जो दूसरा अपना दल है उनको साथ लिया है, और इस तरह दूसरी और भी जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादियों ने किया है। आज संविधान दिवस है, मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं संविधान दिवस की आप सबको, और साथ ही साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया जिसके तहत हमें और आपको अधिकार हैं, आज अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। लोकतंत्र खत्म उसी दिन हो जाएगा जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने का आज का दिन महत्वपूर्ण है, जहाँ संविधान दिवस हम मना रहे हैं, वहीं हमें ये भी याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए इस लोकतंत्र को भी बचाना है। ना जनता उनके साथ है, ना किसान उनके साथ है। कौन देखिए, जो आना चाहेगा, जो अच्छा छवि का होगा, उसका सबको लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नहीं देखिए,
देखिए, नए पुराने की बात नहीं है, आजमगढ़ की जनता से हमारी अपील है और अपने पत्रकार साथियों से भी अपील है कि 10 में से 10 जिताना। समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है और दलित और पिछड़े इनका सम्मान करने का काम, और आज जब संविधान दिवस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद करते हैं, जिनके वजह से हमें संविधान मिला है। देश के तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं।